तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम और जय श्री राम। आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को पता है, नागपुर में विजयादशमी के दिन काफ़ी ज़्यादा अनुयायी लोग यहां पर आते हैं लाखों की संख्या में, और इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल से दिखाने वाला हूं और कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है, यानी ये नियम का पालन करना। तो आइए देखते हैं कि वो क्या नियम है। और सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे नागपुर एक्सपीरियंस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, नागपुर की कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, सबसे पहले आपको इसी हमारे YouTube चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ दीक्षा भूमि का पूरा टूर कि क्या व्यवस्था हो चुकी है, अभी कितना यहाँ पे काम हो चुका है और दुकानें कौन कौन सी लगने वाली है और भी बहुत सारी चीज़ें। और जो आदेश दिया गया है बाबा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये राठे कॉलोनी चौक है और यहाँ से जैसे हम इधर में आते हैं राठे कॉलोनी चौक से, तो ये रोड सीधा दीक्षा भूमि की तरफ में जाता है और ये रोड अभी फिलहाल बंद रहेगा 12 तारीख को। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दुकानें लगने वाली है जिनके नाम यहाँ पे जो है पहले ही लिख चुके हैं। सोनी हो गया, इधर में भी सोनी हो गया, वो आगे में नाम लिखे आपको दिखा देंगे। तो यहाँ से दुकानें लगना स्टार्ट हो चुकी है, तो चलते हैं आगे। दोस्तों, इधर साइड में अजनी रेलवे स्टेशन है और ये राठे कॉलोनी चौक है और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इतनी जो स्पेस है यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लंगर वगैरह प्रसाद तो होता है। और यहाँ पे देख सकते हो साफ सफाई शुरू है और यहाँ पे भी पेंडल डालना शुरू है। और इधर सामने में एंट्री गेट है जो दीक्षा भूमि की तरफ में रोड जाता है, तो देख सकते हो इधर में बैनर और बोर्ड वगैरह लगे हैं, अभी एंट्रेंस गेट बना हुआ है। इधर में एंट्री होना बंद हो जाएंगी गाड़ी, और यहाँ से इधर से गाड़ी आने जा सकती, सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं क्योंकि गर्दी इतनी होती है कि गाड़ी जाने लायक जगह भी नहीं रहती। तो कुछ इस तरीके का अपडेट है, अभी चलते हैं अंदर और आपको बताते हैं आगे का। तो भाई, इधर में देख सकते हो यहाँ साइड में दुकानें लग गई है और यहाँ पे पानी की सुविधा के लिए नल वगैरह भी लग गए, यहाँ पे आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसके प्रोग्राम के बारे में नई जानकारी होगी कि ये प्रोग्राम होता क्या है। तो 14 अक्टूबर 1956 को सुबह 9 बजे लाखों अनुयायियों के साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पे जो है बौद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। तो गाइस, अभी हम दीक्षा भूमि के पास में आ चुके हैं, यानी दीक्षा भूमि के ठीक सामने में ही है। इधर में अगर आप देखोगे, देखो आपको जी का देगा नीचे में, और यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें इधर में भी लग गई है। और तो चलते हैं अंदर में, अंदर में पार्किंग बना है, देख सकते हो बौद्ध धर्म की जो है दीक्षा विधि प्रमाण पत्र यहाँ पे मिलता है और ली जाती है दीक्षा। तो उसकी यहाँ पे फॉर्म है, आधार कार्ड वगैरह लेके सबमिट करना पड़ता है, तल मिलता है जिसमें ऐसे नाम लिखे होते हैं। और ये प्रमाण पत्र से आपको जो है ट्रेड में आने जाने के लिए निःशुल्क व्यवस्था मिलती है, आपको कोई चार्जेस नहीं लगता, आप आना जाना कर सकते हो ट्रेन में, है ना, यही बात है ना। ओके, यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको विशाल ऐसा बोधि वृक्ष दिखाई देगा जो कि ऐतिहासिक है, और इसका इतिहास है कि इसको 56 वर्ष हो गए हैं ऐसा वहाँ पे बोर्ड में आपको दिखाई देगा। देखो, ऐतिहासिक महाबोधि वृक्ष 56वें वर्ष, यानी 1968 में इसे लगाया गया था और अभी 2024 शुरू है। इधर में अगर आप देखोगे तो इधर पुलिस प्रशिक्षण अभी, यानी पुलिस वालों की ड्यूटी का किधर किधर शेड्यूल रहेगा उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। उधर फायर ब्रिगेड के भी हैं और उधर में भी ट्रैफिक पुलिस और काफ़ी सारे पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस तो किधर कैसे संभालना व्यवस्था उसके बारे में सभी को गाइड किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो भगवान बुद्ध की प्रतिमा और साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा, बहुत ही सुंदर तरीके से अभी पेंटिंग वेंटिंग हो गई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और ऊपर में उनके ऊपर में एक छत यहाँ पे बना दिया गया है और इधर में इतना खूबसूरत चमचमाता स्तूप देख सकते हो जो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे भी दीक्षा लेना शुरू है, देख सकते हो वैसे दीक्षा लेते हैं सब। 12 तारीख को 9 बजे सभी अन्य से अनुरोध किया गया है कि वो जहाँ कहीं पे भी हो, चाहे वो दीक्षा भूमि में हो, खड़े हो, बैठे हो, ऑफिस में हो, घर पे हो या कहीं पे भी हो, तो 9 बजे 1 घंटा उन्हें किताब पढ़नी है, क्योंकि बाबा साहेब मानते हैं कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यही उनकी असली और सच्ची मानवंदना है, तो इस चीज़ का पालन करें। एक सवाल भी है और एक क्वेश्चन भी है और एक डाउट भी है कि हिंदू सनातन धर्म ये मानता है कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन यहाँ पे ये मानते हैं कि भगवान नहीं है और उसके अवतार नहीं है, अब इन दोनों में से सच कौन है, थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आप कब आ रहे हो कमेंट में मुझे जरूर बताना। और बहुत लोगों के इसमें एक डाउट होगा कि 14 अक्टूबर को जब इसका दिन है तो फिर 12 तारीख को क्यों
सेलिब्रेट किया था। तो इसका ये है कि उस टाइम में दशहरा भी था, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा ली थी सभी अनुयायियों के साथ में यहाँ पे, तो वो 14 अक्टूबर को उस टाइम पे दशहरा था, इसलिए अभी भी दशहरे के दिन करते हैं। और लेकिन 14 अक्टूबर को भी प्रोग्राम होता है, लेकिन 14 अक्टूबर को कम लोग रहते हैं यहाँ पे, ऐसा है। आपको समझ में आ गया होगा, तो लाइक करो, शेयर करो और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लाते रहेंगे और राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।